बारिश का सीजन जैसे ही स्टार्ट हो जाता है सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी के चलते गुलबर्गा जिले के सेडम जाने वाली रोड को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिन से भारी बारिश के कारण कागिना नदी का जल स्तर ओवरफ्लो हो रहा है। उसी के बीच सेडम जाने का जो मलखेड़ रास्ते का जो ब्रिज है वो ओवरफ्लो होने की वजह से पिछले 2 दिन से बंद है। बताया जा रहा है कि डीसी फौजिया तरन्नुम जो कि गुलबर्गा के डीसी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को उन्होंने हिदायत दी, जिले भर में जहां पर भी पानी ठहरता है, जहां पर भी ब्रिजेस हैं, जहां पर भी नदियां हैं, उस एरिया को ट्रैफिक के लिए बंद कर दें। यानी कि आम इंसान हो या फिर कोई ट्रैफिक के व्हीकल्स वहां से नहीं जा सकते हैं। और मलखेड़ के ब्रिज के पास पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने अपने पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को वहां पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि मलखेड़ का जो ब्रिज है वो ओवरफ्लो होकर बहुत तेजी से पानी बह रहा है। इसी के बीच ट्रैफिक पुलिस की डिपार्टमेंट ने अपने पुलिस डिपार्टमेंट के कांस्टेबल्स वहां पर रुके हुए हैं। बिल्कुल 2 किलोमीटर तक किसी को ना जाने की परमिशन है ना किसी को आने की परमिशन है, मगर लोग मजबूर होकर जो ब्रिज बाजू नया बना हुआ है उस पर से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रिज अभी तक इनकम्प्लीट है। आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज़ की एक रिपोर्ट।